घर की माँ ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र, हाँ अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम माँ बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की माँ अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किसान जय नारायण जो नाम है उसका, उसको माँ बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब माँ बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को तीन तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है, एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा, उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को माँ को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम माँ को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माए बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी, ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम माँ कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्यों रे कनुआ, क्यों रे काना, माँ उसका नाम रख देती थी। क्यों रे रघु, क्यों रे रघुवीर, माँ उसका नाम कुछ भी रख देती। माँ अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे, ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये काना है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं, आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और माँ उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को माँ बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।